बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एन टी एस टेस्ट पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टाउन ऑफिसर का जो पेपर दो रहे हैं, 23 तारीख को जो पेपर हुआ था उसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त 24/5/2023 को जो पेपर हो चुका है उसी को अपलोड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में अपलोड करेंगे। इस वक्त पार्ट नंबर वन को शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये पेपर है दोस्तों। इस पेपर को मैं MS Word में लिख चुका हूं ताकि हम आसानी से हल कर सकें, अब आपको भी समझने में आसानी हो। तो ये देखिए 24 मई 2023 को इसमें क्वेश्चन नंबर वन देखिए, ये नवंबर 2008, तो यहां पर खाली जगह है, इसी क्वेश्चन को MS Word में हल करते हैं। ये देखिए ये MS Word। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों, नवंबर 2008 बिकेम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, वेंग योपिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दो नंबर क्वेश्चन को, व्हेन वाज प्राइवेटाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हेन वाज प्राइवेटाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। ये कमीशन 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नेशनल मेडिकल डिमांड इज मेट बाय द लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये दवाइयां जो बनती हैं, कहते हैं पाकिस्तान में लोकली जो दवाइयां बनती हैं वो कितना पाकिस्तान की कितने परसेंट डिमांड को पूरा करते हैं, 80%, अराउंड अबाउट 80% है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, चार नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज द सेक्रेटरिएट ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नोन एज, इट इज नोन एज SPD, द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सेक्रेटरिएट इज नोन एज SPD, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और पांच नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज न्यूक्लियर टेप्ड क्रूज मिसाइल ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड बाबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स के छह नंबर क्वेश्चन को, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स आर ऑफ फेसबुक ग्लोबली, फेसबुक के इस वक्त अराउंड अबाउट 2.9 बिलियन सब्सक्राइबर है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखे, सात नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के पॉपुलेशन को आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको मुख्तलिफ आएगा, लेकिन एग्जैक्ट इसमें 43 समथिंग है, ऑप्शन डी जो है ना इसके नियर है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर एट देखे, आठ नंबर क्वेश्चन को, द करेंसी ऑफ तुर्की इज लिरा, तुर्की के करेंसी का नाम लिरा है, ऑप्शन बी है। नौ नंबर क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज, म्यांमार के कैपिटल का नाम जो है वो नेपेडायो, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है उसमें। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इस्लामिक समिट हेल्ड इन लाहौर इन 1974। 1974 में भुट्टो के दौर में जो इस्लामिक समिट हुआ था लाहौर में, उसमें टोटल 37 पार्टिसिपेट ने हिस्सा लिया था, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एरोगेंट सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज कॉन्सीटेड, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, सिनोनिम ऑफ इंबिजल, सिनोनिम ऑफ इंबिजल इज मिस अप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को, सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस, सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस इज अनरिलायबल, ऑप्शन डी। और 14 नंबर क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एनिग्मा, सिनोनिम ऑफ एनिग्मा इज पजल, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखे, 15 नंबर क्वेश्चन को, सिनोनिम ऑफ एलिसिट, सिनोनिम ऑफ एलिसिट इलीगल इम्प्रॉपर प्रोहिबिटेड, ये तमाम के तमाम सिनोनिम्स हैं एलिसिट के, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। अब कुछ क्वेश्चन एंटोनिम्स के हैं, तो देखे क्वेश्चन नंबर 16 को, 16 नंबर, एंटोनिम ऑफ प्रियोलियस, इसका एंटोनिम जो है दैट इज वाइज, ऑप्शन डी। और 17 नंबर, एंटोनिम ऑफ प्रोडिगल, एंटोनिम ऑफ प्रोडिगल इज थ्रेप्टी, थ्रेप्टी ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर को, एंटोनिम ऑफ डेक्सटोरियस, एंटोनिम ऑफ डेक्सटोरियस इसका एंटोनिम जो है दैट इज इन एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ईडियम हिटिंग द नेल ऑन द हेड, हिटिंग द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका मानी है परफॉर्मिंग एज अ टास्क विद एग्जैक्टनेस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखे, 20 नंबर क्वेश्चन को, द एडियम अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू मीन्स, इसके मानी है अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट, ये फर्स्ट पेज है, देखिए पहले पेज में जो जितने थे, तो ये पार्ट पेज नंबर 1 के हैं, पेज नंबर 1 में 20 एमसीक्यूज थे, तो पेज नंबर 2 को इसके बाद अपलोड करूंगा। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।